चैनल स्टाइल विद स्नेहा और मैं हूँ स्नेहा। तो आज के वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट है लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूस फाउंडेशन। यस, आज मैं इस वीडियो में इस प्रोडक्ट का फुल इन डेप्थ रिव्यू करूंगी, लाइक इसका प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, इसका टेक्सचर, फॉर्मूला, एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो इसे लेने का या आपका मन है इसे लेने का, तो आप इस वीडियो को देखकर ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है, या फिर आपकी स्किन पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो हेल्पफुल रहे तो आपको पता है मैं क्या कहने वाली हूँ। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें इसके आउटर पैकेजिंग की, तो इसका कलर टिपिकल लैक्मे वाला कलर जो होता है वैसा ही है। इट इज़ अ रोज गोल्ड कलर, एंड इसके पैकेज पे आपको सारा इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स, इसका शेड नंबर, इसका प्राइस एंड क्वांटिटी एंड इसका शेल्फ लाइफ, एवरीथिंग मेंशन होगा इस पे। तो यहाँ पे आपको इसका प्राइस दिया है 150 रुपीज़। मेरे पास ये छोटा वाला ट्यूब है जो मैंने 150 में ख़रीदा था, और इसकी क्वांटिटी मुझे 6 ग्राम मिली है। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी कम है, बट इसका बड़ा वाला जो प्राइस मिलता है उसका प्राइस 550 है, और 550 में आपको 29 ग्राम्स का प्रोडक्ट रिसीव होगा। और इस फाउंडेशन में आपको 3 शेड्स रिसीव होंगे, लाइक इनका बहुत ज़्यादा शेड्स का वैरायटी नहीं है, तो फिर इनके 3 ही शेड अवेलेबल है। तो जो मेरा शेड है वो है 01 रोज आइवरी, और इसके साथ और 2 शेड्स है, बेज वनीला एंड बेज कैरेमल। तो 3 ही शेड अवेलेबल है, लाइक लाइट, मीडियम एंड डार्क। तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड चूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपका स्किन बहुत ही डाइवर्सिफाई है तो आपको शेड मैच करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये सारा कुछ था इसका आउटर पैकेजिंग, और इसका शेल्फ लाइफ इन्होंने दिया है 24 मंथ्स, लाइक आप इसे 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। एंड ये फाउंडेशन पैराबिन फ्री नहीं है, लाइक इसमें पैराबिन है, बट मैक्सिमम जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें पैराबिन प्रेजेंट होता ही होता है। तो फिर अगर आप कंफर्टेबल है पैराबिन के साथ तो आप ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूँगी और इसका एक्चुअल पैकेजिंग दिखाऊँगी। सो दिस इज़ द एक्चुअल पैकेजिंग ऑफ द फाउंडेशन। ये एक ट्यूब फॉर्म में आता है, विच इज़ वेरी टीनी टाइनी वाला ट्यूब। तो ये कैरी करने में या फिर आपके बैग में इंक्लूड करने के लिए काफ़ी छोटू सा एंड काफ़ी हैंडी वाला है। तो अगेन इसके भी पैक पे आपको पूरा इसका इंग्रेडिएंट्स एंड हाउ टू यूज़, इसका प्राइस, क्वांटिटी, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड इट सेज कि इट इज़ वेटलेस मूस फाउंडेशन, बट हम इसका डेमो देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्चुअल में वेटलेस मूस फाउंडेशन है या नहीं। तो पहले मैं आपको इसका हैंड्स वॉच दिखाऊंगी, लाइक इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी कम प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग ये बाहर आएगा। So you can see this is the actual product, and मैं इसे हैंड पे दिखाऊंगी आपको पहले ब्लेंड करके। तो ये काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है मेरे हाथ पे, काफ़ी बटरी सॉफ्ट प्रोडक्ट है। इट्स एक्चुअल मूस फाउंडेशन, लाइक ब्लेंड होने के बाद तो ये लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ फाउंडेशन अप्लाई किया है मेरे हैंड पे। और यू कैन सी सो इसका टेक्सचर एंड फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा बटरी फील हो रहा है, बट ये ब्लेंड होने के बाद बहुत मैट फिनिश दे रहा है। इट्स नॉट लाइक ग्लॉसी और ड्यूवी फिनिश। तो अगर आपको मैट लुक के फाउंडेशन पसंद है तो आप इस फाउंडेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये ब्लेंड बिल्कुल एफर्टलेसली ब्लेंड हो रहा है, आपको कुछ भी एफर्ट इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कुछ फाउंडेशन होते हैं जो बहुत ही पैची और केकी होते हैं, जिनको ब्लेंड करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद वो अच्छे से ब्लेंड होते हैं। बट इस फाउंडेशन के साथ आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये यू कैन सी कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सो आई लाइक दिस, बट हम इसे फेस पे यूज़ करके देखेंगे। तो अब इस फाउंडेशन को मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। मेरे फेस के एक साइड पे मैं इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी, और दूसरे साइड पे मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। तो हम देखते हैं कि किससे ये अच्छे से ब्लेंड होता है। टेकिंग दिस ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और पहले मैं इसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूंगी। ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। कैन यू सी द रिजल्ट, ये कितना एफर्टलेसली ब्लेंड हो गया है एंड बिल्कुल मैट फिनिश दे रहा है।
तो आई गेस ये ऑयली और नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, क्योंकि ये पूरा ऑयल कंट्रोल कर रहा है और बिल्कुल मैट लुक दे रहा है फेस पे। बट आप ड्राई स्किन वाले हो तो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करें एंड प्रेप करें ये फाउंडेशन लगाने से पहले। और फेस के दूसरे साइड पे मैं इसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी, तो आपको इसे डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड करना होता है। तो आपने देखा ये कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जा रहा है, ये लाइक सेकंड्स में ब्लेंड हो गया, बिल्कुल एफर्ट नहीं लगे इसको ब्लेंड करने के लिए। और ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर दोनों से ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं है, तो ये मीडियम टू शेयर कवरेज वाला फाउंडेशन है। लाइक आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आपको इसका और एक लेयर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको हाई कवरेज देगा। बट ये मीडियम कवरेज भी बहुत अच्छे से दे रहा है। लाइक मेरे यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है, तो इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं छुपा है, बट लिटिल बिट ज़रूर इनको कवरेज दिया है। तो ये था इस फाउंडेशन का डेमो। तो इसमें मुझे कोई भी डाउन साइड नहीं लगा इस फाउंडेशन का, बट अगर प्राइस के साथ आप कंफर्टेबल हो, लाइक 150 में आपको सिर्फ 6 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा है एंड इसमें पैराबिन भी है, तो अगर इन दोनों चीज़ों के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ज़रूर इस फाउंडेशन के लिए जा सकते हो, आप इसे परचेज कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, प्रेप करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, तो ये आपको अच्छे से मैट फिनिश देगा, नहीं तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा लिटिल ड्राई साइड पे दिखाएगा, और तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है ड्राई स्किन वालों के लिए। बाकी नॉर्मल और ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट फाउंडेशन है, क्योंकि ये पूरा ऑयल अब्जॉर्ब कर रहा है एंड बहुत ही अच्छी फिनिश दे रहा है फेस को। ये था आज का रिव्यू प्लस डेमो लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूस फाउंडेशन का। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो देखकर जरूर डिसाइड कर सकते हैं, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।